नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर में बीएसपी को लगा बड़ा झटका। बड़ापुर के पूर्व विधायक मोहम्मद गाजी सहित बसपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ बसपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी में हुए शामिल। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान सुनी गई कुल 23 शिकायतें। पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायती पत्र पर प्रभावी कार्यवाही हेतु किया गया निर्देशित। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर स्ट्रांग रूम व वेयर हाउस का किया गया निरीक्षण। वेयर हाउस पर सीसीटीवी कैमरे, वाहन पार्किंग, बैरिकेडिंग आदि चेक कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। किरतपुर में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा ईद उल फितर पर्व के मद्देनजर ईदगाह का किया गया निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बिजनौर आने वाले बैसाखी के त्योहार को लेकर पंजाबी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर धामपुर में निकाली प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में सिख समाज के काफी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरोहा में एक परचून की दुकान के गोदाम में लगी भीषण आग। आग की लपटें उठती देख इलाके में मची अफरा तफरी। लाखों का सामान जलकर राख। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में चुनावी सभा को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। संभल में गेहूं की फसल की कटाई करते समय ट्रैक्टर मशीन से निकली चिंगारी से फसल में लगी भीषण आग। आग बुझाते हुए ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से झुलसा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हल्द्वार में एक दंपति ने घरेलू क्लेश से तंग आकर खाया जहरीला पदार्थ। महिला की हुई मौत। पति का अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। अफजलगढ़ में होटल में खाने के पैसों को लेकर ग्राहकों और होटल कर्मचारियों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। होटल स्वामी की तहरीर पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। नेहटौर में पुलिस अधीक्षक द्वारा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने एवं आमजन में सुरक्षा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से स्थानीय पुलिस व अर्धसैनिक बल के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन। नेहटौर में पुलिस अधीक्षक द्वारा आगामी वीआईपी भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, पार्किंग का किया गया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य बिंदुओं पर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अमरोहा में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह द्वारा जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद हमजा के साथ ईदगाह का किया गया निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। संभल में सड़क किनारे पुलिया से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में एक दोस्त की मौत।
दो घायल, युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। संभल में दिल्ली से दादी के तीजे में शामिल होने आ रहे युवक की सड़क हादसे में हुई मौत। दिल्ली में रहकर टाइल्स का काम करता था युवक। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। एक होटल पर खाने के पैसों को लेकर ग्राहकों और होटल कर्मचारियों में हुई मारपीट, विवाद में जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। होटल स्वामी की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर शिवपुरी मोड़ के पास उमेश गुप्ता का एक होटल है। बताया जा रहा है कि देर रात खाना खाकर कुछ लोगों का पैसों को लेकर होटल कर्मचारियों से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बड़ा कि होटल में जमकर मारपीट हो गई। पहले तो लात घूंसे चले और फिर जमकर लाठी डंडे और कुर्सियां चली। विवाद में कई लोग चोटिल भी हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मैं अर्चना सिंह, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ़, अवगत कराना है कि कल दिनांक 8/4/2024 को रात्रि लगभग 8 बजे ढाबा शिवपुरी परिसर थाना क्षेत्र अफजलगढ़ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा खाना खाने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट करने के संबंध में एक वीडियो वायरल हुई थी। इस संबंध में बादी श्री उमेश गुप्ता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त गुरु की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चांदपुर में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक पर दिया जा रहा धरना। 24 घंटे बाद खाताधारक किसान एवं शाखा प्रबंधक के बीच समझौता होकर हुआ समाप्त। जानकारी के अनुसार बिजनौर जिले के चांदपुर नगर में प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा शिवलोक कॉलोनी में है। बैंक कर्मियों के व्यवहार को लेकर 9 अप्रैल की प्रातः राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के किसानों ने धरना देना शुरू कर दिया था। मामला इस प्रकार बताया गया कि 22 मार्च को विड्रॉल भरने के बाद बैंक के कैशियर ने कपिल को पेमेंट कर दिया तथा उसकी मां को कहा कि बैंक में कैश नहीं है, जिसको लेकर किसान कपिल और बैंक कर्मचारियों के बीच बहस छिड़ गई। मामला बढ़ता देख बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को फोन कर दिया था। आनन-फानन में पुलिस बैंक पहुंच गई तथा दोनों खाताधारकों को थाने ले आई, जिनमें कपिल का शांति भंग के आरोप में चालान कर दिया गया था। पुलिस की कार्यवाही की सूचना मिलते ही भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने में जमा हो गए थे। 22 मार्च को घटना वाले दिन सभी किसान तहसील में पहुंचकर धरने पर बैठ गए थे। लगभग रात 9 बजे उपजिलाधिकारी चांदपुर ने किसानों के बीच पहुंचकर मामले को सुना तथा होली की छुट्टी के बाद बैंक कर्मियों को बुलाकर वार्ता करने को कहा। चुनाव आचार संहिता के कारण किसान मान गए तथा धरना समाप्त करके घर वापस लौट गए थे। 18 दिन बाद उप जिलाधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही न करने से क्षुब्ध होकर पूर्व घोषित सूचना के अनुसार राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह बिट्टू, छत्रपाल सिंह, संजीव सिंह, रेसपाल सिंह, रविन्द्रनाथ सिंह त्यागी उर्फ कालू टिकैत, सुजान सिंह, भूपेंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह, शूरवीर सिंह, पवन सिंह, गुर्जर 9 अप्रैल को बैंक के आगे धरने पर बैठ गए थे। 10 अप्रैल की प्रातः 10:30 बजे चांदपुर पुलिस कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह बैंसला धरनास्थल पहुंचे तथा शाखा प्रबंधक को बुलाकर दोनों पक्षों में फैसला कराया। फैसले से संतुष्ट होकर किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। इस संबंध में क्षेत्रीय प्रबंधक प्रथमा सर्व यूपी ग्रामीण बैंक बिजनौर से वार्ता की गई तो उन्होंने भी धरना समाप्त होने की पुष्टि की। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। कपिल, ये जो बैंक के आगे कल से धरना दिया जा रहा था, आज 24 घंटे हो गए, ये किस तरह से इसका समापन हुआ जरा बताएंगे? ये समापन हुआ साहब, कल इंस्पेक्टर साहब हमारे मध्यस्थता कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा था हम 11 बजे मैनेजर साहब को लेकर आएंगे और मैनेजर साहब यहाँ गलती मान रहे हैं, तो 11 बजने से पहले ही लगभग 10:30 बजे मैनेजर साहब और इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए, हमारे बीच आए और सब लोगों के सामने उन्होंने गलती मान ली।
कि भविष्य में आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी, ये भी हमसे वादा किया और हमारा मामला निमट गया। आप संतुष्ट हैं समझो? हाँ जी संतुष्ट, क्योंकि हमारी कोई उनसे व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, केवल उनका व्यवहार गंदा था, वो व्यवहार सुधार में उन्होंने वादा किया कि मैं अपना व्यवहार सुधार लूँगा, तो हम इससे संतुष्ट हैं। आपका परिचय? मैं पवन कुमार। शाखा प्रबंधक? जी शाखा प्रबंधक। क्या ये जो किसान धरना दे रहे थे बैंक परिसर के आगे, कल 9 तारीख में 10 बजे से धरना दिया है और आज 10 तारीख में 10 बज चुके हैं, तो ये किस तरह से इनका समझौता हुआ, कैसे धरना समाप्त हुआ? जरा भाई आपसे बातचीत का, पुलिस के प्रयास से जो है दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया और अभी ऐसी कोई बात नहीं। संतुष्ट हैं जो धरना देने वाले थे? दोनों। चांदपुर के व्यापारियों ने सम्मेलन में दिया संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान को समर्थन। सम्मेलन के मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ विनीत अग्रवाल शारदा रहे। दरअसल चांदपुर नगर की पुरानी गुड़ मंडी में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में भाजपा एवं लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी चंदन चौहान को समर्थन दिया, जिसके मुख्य अतिथि प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ विनीत अग्रवाल शारदा रहे। कार्यक्रम में प्रत्याशी चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान ने अपने स्वर्गीय ससुर की राजनीतिक रूपी विरासत को निरंतर बनाए रखने पर व्यापारियों से अधिक वोट देने की अपील की। कार्यक्रम के मुख्य स्थिति विनीत अग्रवाल शारदा ने कहा कि नरेंद्र मोदी का भारत में कोई विकल्प नहीं है, उनके देश हित के कार्यों से आज देश की विश्व में अलग पहचान बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने देश के विकास करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, चाहे वह कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराना, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लेकर अब तक देश में करोड़ों लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना, उज्ज्वला योजना में फ्री सिलेंडर देना तथा चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना है। उन्होंने चंदन चौहान को भारी मतों से विजयी करने की अपील की। कार्यक्रम में राकेश अग्रवाल, रामावतार बंसल, शैलेंद्र सिंह, ब्रजेश कौशिक, राजेंद्र त्यागी, अशोक नेता, पल्लव अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, रामदीन अग्रवाल, प्रतीक अग्रवाल, सुबोध गुप्ता, विवेक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, सौरभ राणा सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामावतार बंसल ने की तथा संचालन विकास गुप्ता एवं सुरेंद्र बजाज ने किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। मोदी को ये समझिए संजय चौहान, और समझिए चंदन चौहान नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का एक रूप है। वो समझिए जयंत चौधरी नहीं, वो चंदन चौहान नहीं है, वो जयंत चौधरी का एक रूप है। ये नरेंद्र मोदी और जयंत चौधरी की जोड़ी उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाली है, ये आपको समझना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, और भारत के नाम को, भारत माता के नाम को विश्व पटल पे ऊंचा करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और बताओ साइकिल का जमाना है क्या? का चुनाव चिन्ह क्या? कमल, और कमल की सवारी कौन? कमल की सवारी माँ लक्ष्मी है। कमल पे बैठ के जब माँ लक्ष्मी आती है तो मेरे माता बहनों की रसोई में रौनक आती है, मेरे दुकानदार व्यापारी की दुकानदारी चलती है, किसान की खेती में खुशहाली आती है, युवाओं को रोजगार मिलता है। अब आपको सोचना है पहला नवरात्रा है, मैं आपको नवरात्रों की और संबत नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और देता हूँ। आपके परिवार में ये नव वर्ष और ये नवरात्रे बहुत खुशहाली लेके आए, आपके व्यापार में दिन दुनी राज्यों में तरक्की हो, आपके मान सम्मान स्वाभिमान में बढ़ोतरी हो। नरेंद्र मोदी आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आपका सर से ऊंचा हो, आप कहो कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा चाचा, मेरा ताऊ देश का प्रधानमंत्री है। तो इस स्टेट से, इस मंच से ये कहने आई हूं कि हमारा जो सबसे पहला मूल पॉइंट रहेगा कि जब हम यहाँ के अगर लोकसभा सांसद आप सब बनाते हैं तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आपकी सुरक्षा, जो मोदी सरकार में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री ने आपको दे रखी है, वैसे ही सुरक्षा हम भी आपको सदैव प्रदान करें। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यापार बंधुओं को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत हो तो उसका तुरंत सल्यूशन निकाला जाए। आपके जो प्रत्याशी जी हैं वो आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे,
आपके बीच में रहेंगे। 2009 में आपने स्वर्गीय हमारे ससुर जी को, संजय चौहान जी को सांसद बनाया था। उसी तरह उसी आशीर्वाद के लिए मैं आज सबसे अपील कर रही हूँ कि आप वही आशीर्वाद जो आपने पिताजी को दिया था, वही आशीर्वाद अपने बेटे को दोबारा दें और विजयी बनाएं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक पर, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। चार मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति ने अपने घर के कमरे को बंद करके आग लगा ली। आग की सूचना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बहुत बमुश्किल दरवाजा तोड़कर आग बुझाई और झुलसे व्यक्ति एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार कस्बा झालू के मोहल्ला महाजनान निवासी नवनीत कुमार उर्फ बब्बू, 50 वर्ष पुत्र राजपाल सिंह ने अपने घर में ऊपर के कमरे में अंदर से बंद करके आग लगा ली, जिसमें वह झुलस गया। नवनीत कुमार की पत्नी मनीषा का कहना है कि उनका पति करीब 10 वर्ष से मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने 1 साल से अपना उपचार बंद करा दिया। काफी समय से उनका इलाज चल रहा है। उनके पति आटा चक्की चलाते थे। लगभग 2 वर्ष पूर्व चक्की बंद कर दी। उसके बाद वह घर में नीचे के कमरे में ही रहते हैं। कुछ दिन पूर्व उनका पुत्र विशाल व रिश्तेदार उन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से ले जा रहे थे। उनके पति उपचार कराने नहीं गए। सुबह लगभग 10 बजे उनका पुत्र व रिश्तेदार उनको इलाज के लिए ले जाने के लिए आए हुए थे। उन्होंने घर में स्थित छत पर बने कमरे में स्वयं बंद हो गए और आग लगा ली। आग की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंच झालू चौकी प्रभारी सुभाष राणा पुलिस बल के साथ घर के अंदर से ऊपर पास के घर की छत पर पहुंचकर दरवाजे को तोड़कर बमुश्किल आग बुझाई। वही उक्त व्यक्ति ने अपने पास 2 सिलेंडर भी रख रखे थे। पुलिस को देखकर लाइटर से सिलेंडर चलाकर आग लगा देता था, जिससे पुलिस को कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया और नवनीत को पकड़कर बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेज दिया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। परिजनों के अनुसार आग लगने से करीब 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जालू से तुवासीन कस्सार की रिपोर्ट। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भारत भ्रमण यात्रा पर निकले युवा विजय हिंदुस्तानी का बिजनौर में जुनून देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद शामली का रहने वाला युवा विजय हिंदुस्तानी, जो तीनों क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर भारत भ्रमण यात्रा पर निकला है, और भारत भ्रमण यात्रा के दौरान जिस जिस जनपद में वह पहुंचता है तो उसके द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम संबोधित जिले के डीएम को सौंपा जाता है, और उस ज्ञापन में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के लिए शहीद के दर्जे की मांग की जाती है। युवा विजय हिंदुस्तानी ने अपने शरीर को बेड़ियों और कैदियों की वर्दी से कुछ इस तरह संजोया है जो शहीद हुए क्रांतिकारियों की याद दिलाता है। इतना ही नहीं, युवा विजय हिंदुस्तानी ने अपने शरीर पर देश के लिए बॉर्डर पर कुर्बान होने वाले कुल 267 शहीदों के नाम गुदवा रखे हैं। बता दें कि अब तक यह युवा 20 जिलों में भ्रमण कर चुका है और 1300 से 1400 किलोमीटर पैदल चलकर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा दिए जाने का संदेश पहुंचा रहा है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम विजय हिंदुस्तानी है। विजय हिंदुस्तानी, आप जो ये पैदल यात्रा पे निकले गए हैं, कहाँ से आपने शुरुआत की थी, क्या आपका लक्ष्य है? जी, मेरा गृह जनपद है शामली। हमने शामली से यात्रा शुरू की थी, और बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और देश के लाखों जवान आज़ादी के समय देश के ऊपर शहीद हो गए, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। और हम सरकार से हर ज़िले में डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं शहीद भगत सिंह और राजगुरु के लिए शहीद के दर्जे की मांग कर रहे हैं, सुखदेव के लिए। अब तक आपने कितने जिलों में भ्रमण? ये आज 20वां जिला है, और पूरे भारत भ्रमण की यात्रा, कल हम अमरोहा में रहेंगे और परसों मुरादाबाद में रहेंगे, ऐसे निरंतर जिले बढ़ते जाएंगे। लगभग कितने किलोमीटर आप पैदल चल चुके हैं? लगभग हमारी यात्रा 1300 से 1400 किलोमीटर के बीच में आ चुकी है। आपने जो शरीर के पे आपने नाम गुदवा रखे, ये जो भी हमारे जवान फौजी भाई, देश के हीरो बॉर्डर पर शहीद होते आए दिन, ये उनके नाम गुदे, मेरे शरीर पर 267 नाम गुदे हैं। ऊपर पुलवामा भी लिखा हुआ है। पुलवामा के भी सभी जवानों के नाम गुदे हैं, अनंतनाग, कारगिल, उरी, पठानकोट, और जो रिसेंटली जवान शहीद हो रहे हैं,
एक शहीद का पता चलता है उस माँ को जिस माँ का लाल बॉर्डर पर शहीद होता है, एक शहीद का पता चलता है उस बहन को जिस बहन का माँ का सिंदूर उजड़ जाता है, एक शहीद का पता चलता है उन छोटे छोटे बच्चों को जिनका बाप का साया उनके सर से उठ जाता है। शहीद का दर्द बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्दा दिया जाए, ताकि सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन इन शहीदों को तभी मिलेगी। आपके शरीर पर घाव के निशान भी हैं, ये किसके हैं? ये जो हमारे देश का फ्लैग है तिरंगा, जिसको बोलते हैं ऑल पिन, ऑल पिन के एक फ्लैग है और ये बॉडी में हम डालते हैं। हम तो कहेंगे ये जुनून हर भारतीय के अंदर है, 142 करोड़ देशवासी हैं उनके अंदर है, क्योंकि जुनून जगाने की जरूरत है। हर कोई यहाँ सच्चा देशभक्त है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। धामपुर के मोहल्ला खातियान स्थित सुनारों वाले शिव मंदिर मैड सभा में नव संवत 2081 चैत्र प्रतिपदा के नव वर्ष पर वैदिक युग प्रचार समिति तथा शिव मंदिर मेड सभा की महिला कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में नव वर्ष का पर्व हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ महिलाओं द्वारा मां जगदम्बा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा मनमोहक भजनों का गायन किया गया। तत्पश्चात सत्येंद्र शर्मा द्वारा हवन यज्ञ संपादित किया गया, जिसके मुख्य यजमान नरेश वर्मा व उमा वर्मा रहे। सत्येंद्र शर्मा द्वारा नव वर्ष पर प्रकाश डालते हुए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक आधार बताया गया। इसी समय ऋतु परिवर्तन भी होता है तथा नया अन्न आता है। इसी दिन ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी। इसी क्रम में कालांतर में अन्य ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ती चली गईं। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही नववर्ष मनाना चाहिए। सभी ने एक दूसरे को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दीं तथा हवन यज्ञ संपन्न कराया। कार्यक्रम में सत्येंद्र शर्मा, सुशील कुमार सिल्लू हलवाई, आलोक आर्यलव गोयल बालक राम, दोधराज सिंह योग गुरु अशोक गोयल, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर शंकर भारद्वाज, आदित्य आर्य, सतीश वर्मा आदि उपस्थित रहे। वैदिक यज्ञ प्रचार समिति तथा शिव मंदिर मेड सभा की महिला कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में ही दीप प्रज्वलित कार्यक्रम किया गया, जिसमें लक्ष्मी वर्मा, दीपमाला वर्मा, सुमन वर्मा, ज्योति वर्मा, नेहा वर्मा, कंचन वर्मा, सोनी वर्मा, शालिनी वर्मा, उमा वर्मा, पूनम वर्मा, पायल वर्मा, प्रीति वर्मा, नमिता वर्मा, दीपा वर्मा, गीतू वर्मा, सरोज वर्मा, रचना शर्मा, सीमा सिन्हा, रेणु भारद्वाज, मीनू आर्य, सुनीता गांधी, रेखा कात्यायन, सोमवती, प्रेमवती, तनु वर्मा तथा अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी ने देश में सुख शांति तथा समृद्धि की कामना की। अंत में प्रसाद वितरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।